हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 11:30 हैं और मैं जा रही हूँ मानिकपुर, मौसी के यहाँ जा रही हूँ। आप लोगों को पता ही होगा वहाँ के अलावा मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ, और ऐसे जाती नहीं हूँ क्योंकि जब कोई काम रहता है तभी मैं जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ सहजन की सब्जी खाने। आप लोग हंस रहे होंगे ना कि मतलब सहजन की सब्जी खाने के लिए कोई 12 किलोमीटर दूर जाएगा? तो हाँ फ्रेंड्स, कुछ ऐसा ही समझ लो आप। अभी 11:30 हैं और धूप इतनी लपलपाती हुई है और सोचा कि जा लेती हूँ, चली जाती हूँ, खा लेती हूँ। और आज की ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर दे रही हूँ और आपको मैं दिखाऊंगी वहाँ का सीन भी। तो सोचा थोड़ा धूप में निकलेंगे तो कुछ, वैसे इतने गोरे तो नहीं है लेकिन यार स्किन की सेफ्टी के लिए तो जरूरी है ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, कई लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप कहाँ से हो, क्या करती हो, तो आज मैं ये ब्लॉग में आज ये भी बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जल्दी से निकलती हूँ क्योंकि धूप अपनी चरम सीमा पे है और मौसी की एक बार कॉल भी आ चुकी है ये कहने के लिए कि अभी तक आई नहीं हो, धूप में आओगी क्या? तो सही बताओ तो मैंने सोचा था कि 1-2 बजे तक जाएंगे, बट अब सोच रहे हैं कि चली ही जाती हूँ। सही बात है, नहीं तो वैसे भी अभी इतनी तेज धूप हो गई है और पता नहीं और कितनी तेज धूप हो जाएगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो। कितनी तेज धूप है, यहीं से डेली में फूल तोड़ती हूँ भगवान जी को चढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स, आ चुकी हूँ मौसी के यहाँ और चल रही हूँ खाना खाने। 1:30 बज गए हैं, ऑटो में बैठे बैठे इतना टाइम हो गया और मेरी बहन निकाल रही है खाना। निकाल ले फिर खा के बताते हैं क्या टेस्ट है। और मेरी मौसी महुआ के रस का गुलगुला भी बनाई है, ये देखो। आ जाओ जिसको जिसको खाना हो गुलगुला, बहुत साल के बाद खाने जा रहे हैं क्योंकि हमारी तरफ तो ज़्यादा महुआ होता नहीं, इधर भी नहीं होता, हो सकता है कहीं से आया हो तो बना है। अच्छा है। देखिए फ्रेंड्स, आ गई है थाली, पहली बार देख रही हूँ इस तरह बनता है। कैसे बनता मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट में बताइएगा आपके यहाँ कैसे बनता है। अब इसको खोलेंगे। ये तो सही है लेकिन हम बनाए थे वो, हमको लगता है तीखा वाला था। सही है, बढ़िया गठरी जैसे बनी है लकड़ी की। ये बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है फ्रेंड्स, इसी को खाने के लिए मैं इतनी दूर से आई हूँ। इतनी दूर से आए? बहुत दूर से, इतनी तेज धूप और धूल भरी आंधी से। हाँ ये तो तीखा नहीं ना है। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, खा के आप लोगों से मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और कल का ब्लॉग मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। मौसी के यहाँ से आने में काफ़ी देर हो गई थी, 7:30 बज गए थे फ्रेंड्स आने में, और वहाँ पे ना मैं ब्लॉग बना पाई, ना आप लोगों से बात कर पाई, ना फिर मैंने शॉर्ट वीडियो ही बनाया क्योंकि फिर सो गए थे और 4:30 बजे उठे तो फिर मौसी की फरमाइश थी अजवाइन नमक डाल के पराठा बनाना, तो फिर प्याज के भी पराठे बनाए तो उसमें काफ़ी देर हो गया फ्रेंड्स फिर आने में, तो सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बना रही हूँ कि काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे आप कहाँ से हो, क्या करती हो, आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स लास्ट तक ज़रूर देखिएगा
और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दिया करो और प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दिया करो। जो भी आप लोगों के एडवाइस रहेगा मुझे और हौसला मिलेगा फ्रेंड्स। तो आप लोग के क्वेश्चन पे ही मैं आज ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी फैमिली में टोटल 9 लोग हैं, मम्मी पापा हैं, मैं 6 बहन हूँ और भाई मेरा एक ही है जो छोटा है अभी 10 साल का है। तो घर में मैं सबसे बड़ी हूँ और आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा मेरी फैमिली को। बस मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है किसी से क्योंकि मेरी फैमिली में किसी को कैमरे के सामने आना पसंद नहीं है, इसलिए मैं फोर्स भी नहीं करती हूँ। अधिकतर वीडियो आपने मेरी और छोटी वाली बहन के साथ में ही देखा होगा, बाकी और किसी को पसंद नहीं है तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स इतने लोग मेरी फैमिली में हैं। और रही बात हम लोगों की फैमिली चलती किससे है तो खेती ही आधार है। पापा हमारे किसान हैं और अपनी खेती भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 1.5 बीघे हैं, बाकी हम लोग दूसरे का खेत लेकर के जैसे अधिया पे काम होता है ना तो वैसी खेती होती है और खेती पे ही डिपेंड है। पढ़ाई लिखाई घर के खर्चे सब कुछ है और अभी फ़िलहाल सब लोग पढ़ ही रहे हैं और हम 3 बहन की मतलब ऐसे पढ़ाई पूरी हो चुकी है और 1 डे एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है। उसके साथ साथ अपना मतलब छोटा मोटा काम भी कर रहे हैं जिससे अर्निंग होती रहे, हमें अपनी फैमिली से पैसे ना लेने पड़े क्योंकि ऑलरेडी इतने घर में खर्चे हैं, सबकी पढ़ाई हो रही है। तो और भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतलब उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ, अच्छी शिक्षा दूँ ताकि आगे चल के मतलब अच्छी ज़िंदगी जिए। तो उसके लिए भी उसी का सबसे ज़्यादा मेरे घर में खर्च है और तो ज़्यादा किसी का उतना खर्च नहीं है। और मैंने फ्रेंड्स पढ़ाई किया हुआ है, ग्रेजुएशन BA किया है मैंने और ITI भी कर रखा है, कंप्यूटर कोर्स भी मैंने किया है। और फ्रेंड्स मुझे 5-6 साल हो गए जॉब करते हुए भी और सिचुएशन ही ऐसी थी फ्रेंड्स कि बिना काम किए रहा भी नहीं जा रहा है। और खेत में है यार, खेत में काम करो तो एक दिन का 150 रुपये मिलता है और हम लोग कभी किसी के दूसरे खेत में काम करने जाते नहीं हैं क्योंकि अपने यहाँ ही इतना साल के 12 महीना काम रहता है तो दूसरे के यहाँ कहाँ जाके हम लोग कमाएंगे। तो इसकी वजह से हम लोग अपना आधार पढ़ाई को ही बनाए हैं कि पढ़ लिख के आगे ज़िंदगी में कुछ बने, सीखें, किताबी कीड़ा ना बन के रहें क्योंकि लाइफ में मम्मी पापा जो स्ट्रगल किए हैं जिस सिचुएशन में भी रहे हों लेकिन हम लोगों को पढ़ाई बहुत अच्छी दी है और अभी भी दे रहे हैं। कभी पढ़ाई करने के लिए उन्होंने मना नहीं किया है, बट मुझे ताने बहुत सुनने को मिलते हैं। मेरी फैमिली में हर किसी को तो नहीं लेकिन मुझे ज़्यादा मिलते हैं चारों तरफ से, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे नातेदार हो, चाहे वो पास पड़ोस हो, हर तरह से। और होता है फ्रेंड्स क्योंकि मेरे गांव में ऐसा ही है, पढ़ाई को कोई आधार मतलब शिक्षा पढ़ाई तो सब करा रहे हैं लेकिन किसी का कोई आधार नहीं है कि पढ़ लिख के कुछ करना ही है। बस मेरे गांव में शादी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है, जल्दी जल्दी 18-19 साल के हो जाओ शादी कर दो, बस उनका वही एक आधार है। लेकिन जीवन में कुछ चेंजेस लाने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। तो मैंने स्टार्ट किया है अपने घर से, जो घर में भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बट मेरी मम्मी सबसे अच्छी दोस्त है मेरी। मम्मी तो शायद बाद में ही है लेकिन सबसे पहले वो मेरी अच्छी दोस्त है। मैं उनसे कभी कोई बात छिपाती नहीं हूँ, अपना हर दुख दर्द सुख हर चीज़ मैं उनसे शेयर करती हूँ और वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है फ्रेंड्स कि कभी कभी मैं इतना टेंशन में इतना दुखी रहती हूँ ना कि वो मेरा चेहरा देख के जान जाती हैं और जब मैं दुखी रहती हूँ ना तो वो रह नहीं पाती हैं मेरे लिए, मेरी हर परेशानी का वो सॉल्यूशन निकालने के लिए वो भी परेशान रहती हैं। बट कुदरत क्या चाहता है मुझे ये तो नहीं पता है लेकिन सच में मम्मी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और उन्हीं के रास्ते पे उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चल रही हूँ। वो हमेशा मुझे यही एक बात कहती हैं, घर में भी सब बहनों को यही कहती हैं कि जैसे मैं एक गाय की तरह खूंटे में बंध के रह गई, तुम लोग बंध के मत रहना। क्योंकि मेरी मम्मी जिस फैमिली से है ना, मेरी नानी ने चाहे जितना गरीबी झेला हो लेकिन मेरी मम्मी को पढ़ाया, 8 तक सिलाई करवाया
उनके अंदर बहुत हुनर थे, सिलाई कढ़ाई सब वो कर लेती थी। बट यहाँ जब से यहाँ आई ना, तो यहाँ पे सिर्फ खेती होती थी और सिलाई उलाई सब मेरी नानी दी थी, लेकिन सब वापस करवा दिए। मेरे बाबा ये कहे कि यहाँ घर खेत का काम करना है कि यहाँ कपड़े सिलना है। तो और मेरी मम्मी का आंगनबाड़ी में सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन मेरे बाबा ने करने नहीं दिया। फ्रेंड्स, अगर आज करने दिए होते ना, तो शायद हम लोगों की ज़िंदगी कुछ और होती। शायद पैसों की कमी की वजह से हम लोगों को शायद इतना दर दर भटकना नहीं पड़ता। बट कहते नहीं है कि वही होता है जो लिखा रहता है। और मम्मी मेरी आज इतना हुनर होने के बावजूद भी खेतों में काम करके सिमट गई, इसीलिए हम लोगों को हमेशा यही बोलती रहती हैं कि तुम लोग अपने सपनों पे ध्यान दो, लोग क्या बोलते हैं इस पे ध्यान ना दो, हमेशा यही कहती हैं। वैसे घर में भी पापा भी जैसे कभी बोल देते, कोई और कुछ बोल देता है, तो यही कहती हैं कि अगर तुम लोगों के सपने सच्चे हैं, सपनों में जान है, तो उसको पूरा करने के लिए लोगों के ताने भी सुनने पड़ेंगे, लोगों की बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ेगी, ठोकर भी खानी पड़ेगी, लेकिन कभी उससे डरना नहीं। अगर वाकई अपने सपने को पूरा करना है तो सब नज़रअंदाज कर दो, सिर्फ अपने सपने पे ध्यान दो। तो फ्रेंड्स, वही लेके चल रही हूँ। और पढ़ाई मेरी हो चुकी है, अभी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ फ्रेंड्स। और कुछ टाइम पहले मैंने जॉब भी किया था, 5-6 साल तक जॉब किया था, ये सोच के कि भाई को अच्छी पढ़ाई दूंगी। बट जॉब के साथ साथ पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो लॉकडाउन में सैलरी ना बढ़ने की वजह से फिर मैंने जॉब भी छोड़ दिया था। तो उसकी वजह से ये LIC एजेंट मिला, LIC एजेंट का काम मिला। इसके बारे में नॉलेज नहीं था, 1 साल तक तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अभी तक भी मैं ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अपने कोड को बचाने के लिए उतना काम कर रही हूँ। तो पढ़ाई के साथ साथ इसको देख रही हूँ, RCM बिजनेस भी कर रही हूँ, लोगों को प्रोडक्ट यूज़ करवा रही हूँ। और ज्वाइनिंग तभी करती हूँ जब वाकई वो इंसान ज्वाइन करना चाहता हो, तो ज़बरदस्ती किसी का नहीं करती हूँ, बल्कि प्रोडक्ट मैं उसको दे देती हूँ, यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, प्रोडक्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो बस यही आजकल ज़िंदगी चल रही है फ्रेंड्स, क्योंकि 8-9 घंटे पढ़ाई नहीं हो पाती है। जब एक बार पढ़ाई छूट जाती है तो कितना भी कर लो, फिर टाइम लगता है किताबों से नाता जोड़ने के लिए, तब भी 2-3-4 घंटे पढ़ती हूँ। जो भी पढ़ती हूँ मन से पढ़ती हूँ, बस किताब लेके नहीं पढ़ती हूँ। और मैं ये बता दूँ फ्रेंड्स कि मैं घर पे भी नहीं रहती हूँ, घर से थोड़ा दूर रहती हूँ, जहाँ मेरा LIC का ब्रांच ऑफिस है वहीं रहती हूँ, रूम लेकर के रह रही हूँ। और क्योंकि यार मेरे घर के आसपास का जो माहौल है बहुत ही बेकार है, और अगर ये रोज़ देखा जाए तो शायद इससे आप ज़िंदगी में हार मान लोगे, आप ये सब छोड़ के ना जो लोग कहेंगे वही करने लगोगे। तो इस वजह से खैर घर से बाहर आने के लिए भी मैंने बहुत ताने सुने हैं, चाहे वो रिश्तेदार के रहे हों फ्रेंड्स, चाहे अपने पापा के रहे हों। कहीं ना कहीं मेरे पापा भी सही हैं, लेकिन यार अगर बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है गार्जियन को भी साथ देना चाहिए। यार जब बच्चे गलत हो ना, तब ना साथ दो चलता है, पर अगर बच्चे सही चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वाकई वो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो गार्जियन का ये फर्ज बनता है कि लोगों की बात को ना ध्यान रखते हुए अपने बच्चों के मेहनत को ध्यान दें और उनका साथ दें। तो बट मेरे यहाँ ऐसा है नहीं, तो बहुत सारे रिलेशन के लोग भी मुझे बोले कि मेरी तुम्हारा रूम लेके बाहर रहना, मेरा मान सम्मान घट रहा है, तुम्हारा लोग पहले बहुत तो सम्मान करते थे, पर तुम रूम लेके रह रही हो, बेवजह तुम लोगों का अपमान कर रही हो, अपने पापा के सर पे बोझ बनी हुई हो, दुनिया भर की बातें फ्रेंड्स बोलते थे, अब अभी भी बोलते हैं, पीठ पीछे ही बोलते हैं। तो सबको मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन यार इग्नोर नहीं होता है, चलो एक दो बातें हो ना तो इग्नोर हो जाती है, लेकिन अगर हर दिन एकदम तुम्हारे कोई पीछे ही पड़ जाए ना, तो इग्नोर नहीं होती है। और इसी सब की वजह से ना शायद ना
ना मैं अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर पाती हूँ और ना ज़्यादा पढ़ाई कर पाती हूँ, और घर पे हूँ, घर पे रहूँ तो शायद और ही मैं ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाऊँ। यहाँ रहती हूँ तो शायद इन सब से थोड़ा दूर भी रहती हूँ, लेकिन जब भी घर जाती हूँ ना तो एक नए कमेंट मुझे सुनने को मिलते हैं, एक नए ताने सुनने को मिलते हैं, और यही सब मेरी ज़िंदगी है फ्रेंड्स, चल रही है। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, जब कोई मुझसे कुछ पूछता है ना तो मैं जल्दी बताती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं बताने लगती हूँ ना यार कि मैं बता ही नहीं पाती हूँ, मेरे आँख से इतना ज़्यादा आंसू निकलने लगता है, लगता है कि किससे क्या बताऊँ, लोग मजाक उड़ाएंगे, पहले तो सुन लेंगे लेकिन पीठ पीछे आपका ही मजाक बनाएंगे, इसलिए अपना मैं किसी से कुछ नहीं शेयर करती हूँ। और मैं किस्मत के भी भरोसे नहीं बैठी हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी मेरी किस्मत नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी किस्मत होती तो आज लाइफ कुछ और होती, तो बस मेहनत के ही भरोसे है फ्रेंड्स। और देख ही रहे हो कि कंपटीशन का इतना तगड़ा ज़माना है, और फॉर्म निकलते भी हैं, पेपर भी होता है, कैंसिल भी हो जाता है, यही सब चल रहा है। तो हम सोच रहे हैं फ्रेंड्स की पढ़ाई के साथ साथ LIC पे और RCM बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करूं, और फील्ड में भी निकलो ना तो लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, किस तरह वो करते हैं, इसलिए आप लोगों को माध्यम बनाया है कि आप लोग मेरा साथ दोगे फ्रेंड्स। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो LIC भी हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यार, और RCM बिजनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट तो हम कहीं ना कहीं से यूज ही कर रहे हैं ना, तो क्यों ना आप लोग मेरे लिए क्या RCM से प्रोडक्ट खरीद के यूज़ करोगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और अगर एक बार आप प्रोडक्ट खरीद के खा लोगे ना, सच में इतना तो जानती हूँ कि आप लोग मुझे गाली नहीं दोगे, बल्कि ये कहोगे कि हाँ मार्केट से बेहतर है। यही सब लाइफ में चल रहा है फ्रेंड्स, आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और मुझसे जुड़िए, RCM बिजनेस से, LIC से जुड़िए। लोग मुझसे मिलना भी चाहोगे तो मैं आप लोगों से मिलूँगी, कांटेक्ट करना चाहोगे तो कांटेक्ट भी करूँगी, बट मैं इतना आप लोगों से कहूँगी कि एक बार RCM से आप प्रोडक्ट ज़रूर आप यूज़ करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, बस इतना ही कहूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।